i hope you all well yesterday we had study about light reflection of light laws of reflection and types of reflection diffuse, regular reflection and diffuse reflection and about their definition today we are study about the image if we define an image image kya? an image is po point an image is a point वेयर रेज ऑफ लाइट कन्वर्स एक्चुअली और अपेयर टू डाइवर्स कन्वर्स एक्चुअली का मतलब क्या है कि वो उस पी पॉइंट पे एक्चुअली में मीट करेंगे जैसे ये टू रेज हैं इस पी पॉइंट पे मीट कर रही हैं तो ये क्या है कन्वर्स एक्चुअली डाइवर्स अपेयर टू डाइवर्स का मतलब क्या है वो उस पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देंगे तो वो पॉइंट पी वो क्या करेगा अपेयर टू डाइवर्स दे आर टू टाइप्स ऑफ इमेज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज हे आर डिफ्रेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज आर रियल इमेज इस फॉम वैन टू और मोर रिफ्लेक्टिंग रेस मीट एट ए पॉइंट इन फ्रंट ऑफ द मिरर एक रियल इमेज कब फॉर्म होगी जब दो या दो से ज़्यादा जो रेस हैं वो एक्चुअली में मीट करेंगे मिरर के सामने फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है ये हमारा एक मिरर है यहाँ पे हमने एक ए बी ऑब्जेक्ट ली यहाँ से टू रेज पास करी एक रेज यहाँ मान लो ए सी सी डी के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो गई एक सेकेंड रे ए पी ली और पी के के एलोंग रिफ्लेक्ट हो गई तो ये दोनों रेज आपस में एक्चुअली में मीट कर रही हैं तो ये यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो आपकी कैसी होगी रियल इमेज अब है वर्चुअल इमेज अब वर्चुअल इमेज इज़ फॉर्म वन टू और मोर रेस अपेयर टू मीट एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर यहाँ पे जो इमेज है जो रेस ऑफ लाइट है वो अपेयर करेंगी एक्चुअली में मीट नहीं करेंगे वो अपेयर करेंगे और कहाँ मीट करेंगे बिहाइंड द मिरर फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे एक इमेज फॉर्म करी है इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर यहाँ पे हमने ए बी कोई ऑब्जेक्ट ले रखी है जहाँ पे ये खड़ी हुई लाइन है वो उसका खड़ी हुई लाइनें हैं वो उसका ओपेक सरफेस है और जहाँ पे ये जहाँ पे खड़ी हुई लाइनें है नहीं हैं वो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये मिरर के सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखी इससे हम क्या है एक नॉर्मली नॉर्मल रेज इंसिडेंट करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस जो होगा जैसे हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कहा पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये आपका इंसिडेंट रे है ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो इंसिडेंट रे है इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ मान लो कोई रे ए बी के अलॉन्ग इंसिडेंट हुई बी सी के अलॉन्ग रिफ्लेक्ट हो गई जो ये बी एन होगा ये हमारा नॉर्मल होगा नॉर्मल इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बना रही थी एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बना रही थी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अगर फॉर अ नॉर्मल इंसिडेंट किसी भी मिरर पे अगर हम नॉर्मली इंसिडेंट करें तो ध्यान रखना जिस पास से वो आती हैं रिफ्लेक्ट होकर उसी पास पाथ पर चली जाती है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा जीरो होगा तो यहाँ पे भी फॉर नॉर्मल इंसिडेंट जिस पास से जाएगी उसी पास से चली जाएगी एक सेकेंड रे मैंने ए ओ के अलॉन्ग इंसिडेंट किया ए ओ के अलॉन्ग इंसिडेंट किया और ओ डी के अलोंग वो क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई अब एक रे जो हमने ए एन के अलोंग इंसिडेंट किया ए पी कंसिडर कर लो आप ए पी के अलोंग हम नॉर्मली इंसिडेंट किया जिस पास से गई उसी पास से चली गई अगर इस रे को बढ़ाएं तो ये आगे बढ़ती जाएगी और ये आगे रे तो ये फैलती हुई जाएंगी तो ये आगे तो कभी मीट नहीं करेंगी अगर हम इन्हें पीछे डॉट डॉट करके मिलाएं तो वो ऐसे क्या करेंगी ऐसे लगेगा वो कहाँ से आ रही है ए डैश से तो जो ए है वो क्या होगी वर्चुअल इमेज होगी एक एक क्योंकि यहाँ अपियर टू मीट है तो जहाँ अपियर टू मीट आए तो वो आपकी क्या होती है वर्चुअल इमेज होती है ठीक है तो ये है आपका वर्चुअल इमेज समझ में आया इसके बाद है ए रियल इमेज कैन बी ऑप्टेन ऑन ए स्क्रीन रियल इमेज को हम स्क्रीन पर ला सकते हैं फॉर एग्जांपल जैसे हॉल थिएटर वगैरह में मूवी चलती है तो वो वहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन पर वो क्या होगी आपकी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते फॉर एग्जांपल आप जैसे आप मॉर्निंग में खंगी करते हो मिरर के सामने जब आप सामने होते हैं तो आपकी इमेज होती है लेकिन जब आप मिरर के सामने से हट जाते हो तो आपकी इमेज हट जाती है तो ये क्या है वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ला सकते वो तभी तक रहेगी जब तक ऑब्जेक्ट उसके सामने रहेगी तीसरा क्या है रियल इमेज इज़ इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जैसे कि जो रियल इमेज है ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में इन्वर्टिड होती है जैसे पहले मैंने बताया था ए बी ये स्पेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन बताया तो यहाँ से देखो जहाँ पे ये रेज काटेंगे क्योंकि रेज हमने ए से डाली है तो इमेज भी क्या होगी ए की तो ये जो ए डैस होगा इमेज ऑफ ए तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ए डैस बी डैस इज़ रियल इमेज ऑफ़ ए बी लेकिन यहाँ देखो ए डैस बी डैस क्या है भाई इन्वर्टिड है ना तो यहाँ से जो रियल इमेज होगी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इन्वर्टिड बनेगी उसके उल्टी बनेगी वर्चुअल इमेज इज़ इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट जैसे मैंने अभी पीछे बताया था कि जो वर्चुअल इमेज होगी ऑब्जेक्ट के विद रिस्पेक्ट क्या होगी इरेक्ट होगी इरेक्ट मीन्स सीधी होगी ठीक है ये हमने इमेज फॉर्मेशन शो कर रखा है बाय एयर प्लेन मिरर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया अब व्हाट आर द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं आप यहीं से लगा सकते हो एक तो कैसे देखो यहाँ पे ए बी तो यहाँ पे भी इमेज कैसी बनी है इरेक्ट दूसरा अपियर हो रही है अपियर टू मीट तो यहाँ पे इमेज जो होगी वो क्या बनेगी वर्चुअल थर्ड देखो मिरर के ये जो बैक है ये ओपेक वाला हिस्सा पीछे वाला हिस्सा है तो कहाँ कहेंगे बिहाइंड द मिरर और जितना डिस्टेंस बी से ओ तक का डिस्टेंस होगा उतना ही ओ से बी डेस्ट का डिस्टेंस होगा तो सेम डिस्टेंस पे बनेगी और सेम साइज़ की अब आपने भी देखा होगा कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते ऐसा तो नहीं है आ, आज हाइट ज़्यादा हो जाएगी कल कम हो जाएगी पत आज पतले हो तो कल मोटे दिखेगा नहीं जो साइज़ है सेम साइज़ के दिखेगा तो वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म बाई ए प्लेन मिरर कैसी बनेगी वर्चुअल बनेगी इरेक्ट बनेगी बिहाइंड द मिरर सेम साइज की और सेम डिस्टेंस पे नाउ लेटरल इन्वर्जन लेटरल इन्वर्जन क्या होगा इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर सफर लेटरल इन्वर्जन जो इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के द्वारा वहां वो क्या है जो इमेज है वो सफर करेगी लेटरल इन्वर्जन दैट मीन्स अब प्लेन मिरर चेंज लेफ़्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट मान लो हम मिरर के सामने खड़े होते हैं जब हम अपना लेफ्ट हैंड हिलाते हैं तो मिरर इमेज का राइट हैंड हिलता है तो जब हम खड़े होते हैं तो जो हमारा लेफ्ट होगा वो इमेज का राइट right होगा और जो हमारा राइट right होगा वो इमेज का लेफ्ट होगा ये क्या कहलाता है लेटरल इन्वर्जन इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉ सरफेस रिफ्लेक्शन फ्रॉम कार सरफेसिस फर्स्ट है स्पेरिकल मिरर स्पेरिकल मिरर जैसे जो बॉल होती है बॉल देखिए आपने जो प्लास्टिक बॉल होती है जो अंदर से खाली होती है तो वो एक स्पेयर है अगर उसका बाहर वाला सरफेस मिरर की तरह हम रिफ्लेक्टिंग बना दें तो ये हाईली पॉली या पॉलिस कर दें तो हाईली अगर डेफिनेशन दोगे हाईली पॉलिस्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस फॉर्मिंग ए पार्ट ऑफ होलोस्पियर इज का स्पेरिकल मिरर कि कोई सी होलोस्पियर का एक छोटा सा पार्ट भी वो क्या कहलाता है स्पेरिकल मिरर डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्पेरिकल मिरर होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं एक कन्वेक्स मिरर दूसरा कॉनके मिरर कॉन्के मिरर अगर डिफाइन करें इट इज़ अ स्पारिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज टू द सेंटर ऑफ द स्पेयर कन्वे के स्पेरिकल मिररर क्या होगा इट इज़ द रिफ्ल स्पेरिकल मिरर जिस मिरर से ये फॉर्म होते हैं जो स्पेरिकल मिरर जिसका ये हिस्सा होता है उसका जो सेंटर होता है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो क्या होगा इसके सेंटर जो जिस स्पेयर से बना हुआ होता है जिस स्पारिकल मिरर से यह बना हुआ है उसके सेंटर की तरफ इसका सरफेस होगा तो कौन के मिरर होगा और इफ़ हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर अब देखो इसका सेंटर ये है यहाँ पे इसका नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो क्या है इससे बाहर की साइड है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वो क्या होगा आपका रिफ्लेक्ट कन्वैक्स मिरर इज दैट क्लियर ओके थैंक यू फॉर लिसनिंग